गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और ये जो आप देख रहे हो ना मेरे फेस पे ऑरेंज लाइट, आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये देख लो ये नेचर का लाइट है। तो देख लो अभी क्या मस्त सनराइज हो रहा है। अभी मैं हो गया हूँ रेडी यहाँ से लखनऊ निकलने के लिए। एज ऑलवेज मम्मी भी सुबह सोकर उठ गई है। मम्मी गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। हाय। सारा अपना पैकिंग हो गया, वापस से चेक कर लेते हैं पासपोर्ट आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ है कि नहीं है, फिर एक काम करते हैं निकलते हैं। एक ही बार ये वीडियो को बाहर से ही कंटिन्यू करते हैं। चलो जी अभी मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ घर से और देख लो क्या प्यारा सनराइज हो रहा है सुबह। और हमेशा की तरह हमको रोहित भाई आ गए लेने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं लवली को रिसीव करने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। चलो जी एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग। रोहित भाई जबरदस्त लेकर आए हमें, 6:30 बजे बोले थे उससे पहले ही पहुंचा दिए। ऑलराइट तो टाइम अभी देख लो 6:32 हो रहा है। अभी हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए और देख लो भाई साहब ये एयर एशिया का काउंटर है। और आपको ही मैंने बताया मैं लवली को रिसीव करने जा रहा हूँ लेकिन वीडियो नहीं कर पाया उस टाइम। गुड मॉर्निंग, नींद हुआ पूरा? बाकी काउंटर देख लो पूरा पैक है। एक काम करते हैं एक ही बार चेक इन वगैरह करवाने के बाद ही मिलते हैं। मैं तो देख लो ना यही चप्पल में आ गया। वैसे लाइन आपको ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन काम फटाफट हो गया अपना, फटाफट बोर्डिंग पास मिल गया, बैग भी हम लोगों ने चेक इन करवा लिया। अभी सबसे मेन काम सिक्योरिटी चेक। भाई ये थोड़ा सा खाली लग रहा है यार, भागो 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 खाली लग रहा है। एक्चुअली एक ट्रिक है, कभी भी आपको अगर सिक्योरिटी चेक करना हो ना जो काउंटर इंडिगो के आसपास में हो वहाँ मत जाना, विस्तारा के आसपास का सिक्योरिटी चेक वाले में जाओ या फिर एयर एशिया के आसपास में जाओ तब थोड़ा सा खाली मिलेगा। उस वाले साइड में पूरा इंडिगो का काउंटर है और सिक्योरिटी चेक के लिए भी अच्छा खासा लाइन है वहाँ पे। ये थोड़ा खाली है देखो। फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है डन। आज मैडम का बैग रीचेक पे चला गया था, फोन निकालना भूल गई थी। चलो कोई नहीं हम आते हैं थोड़ा सा हल्का हो गया। ऑलराइट तो देख लो ये वाला अपना फ्लाइट है 8:10 का जो दिख रहा है ना, 150634 लखनऊ, गेट नंबर 104 जाते हैं। 7:30 बजे से शायद बोर्डिंग स्टार्ट होगा अपना। भूख लगा। क्या खाना है? कुछ भी खा लेंगे लाइट कुछ। ऑलराइट तो देख लो अभी हम लोग का जो गेट है 104 है बट हम लोग अभी 106 के सामने बैठे हैं। हम लोग वही आ गए थे चाय सैंडविच खाने के लिए, टी जंक्शन दिख गया था हमें, वही देख लो अपना चाय और साथ में ये सैंडविच। चीज कॉर्न सैंडविच बहुत बढ़िया होता है, अगर आप जब भी आते हो टी जंक्शन तो ये चीज कॉर्न सैंडविच जरूर ट्राई करना, अच्छा होता है। अभी अपना चाय पीना चल रहा था वहाँ पे तभी अपना बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया। एकदम टाइम पे भाई, क्या बात है, आजकल एयर एशिया एकदम टाइम पे हो गया। वैसे इसका यहाँ से जो डिपार्चर टाइम है ना वो 8:10 का है। अभी देख लो फ्लाइट में आ गए और मेरे को तो लग रहा है पूरा पैक है फ्लाइट, लेकिन मैंने अपग्रेडेशन का बात किया था तो हॉट सीट जो इनका होता है ना रेड कलर का वो एक फ्रंट में होता है और विंग के पास होता है, वो चार्जेबल था इसलिए मैंने लिया नहीं। ये जो विंडो सीट मुझे मिला है ना फ्री का मिला है, तुम बैठ सकते हो। प्लीज प्लीज सीट लो, उठना पड़ेगा। ठीक है चलो लखनऊ वाले में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठ जाओ, लेकिन जो दिल्ली से हम लोग जहाँ के लिए जा रहे हैं ना वहाँ पे मैं नहीं दूंगा, अलग अलग बैठ जाना। बाकी तो वही अपना एयर एशिया का देख लो, आपने देखा ही होगा और एयर एशिया के साथ मेरा एक्सपीरियंस कभी अच्छा रहा नहीं है लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है और विंडो भी क्लीन है। और लेक्सपेस लवली के लिए तो ठीक है लेकिन मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और ये अगर सीट अगर पीछे की तरफ आ जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा। 8:10 में इसका डिपार्चर टाइम था, एग्जैक्ट लग रहा है टाइम पे निकले गए, रनवे पे तो आ गया। खाना वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है, अगर मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तो जरूर दिखाऊंगा आपको। वैसे एयरपोर्ट में तो हम लोग सैंडविच खाकर ही निकले थे लेकिन हाँ ये जो पोहा होता है ना मेरे को बहुत पसंद है, साथ में ये एक क्लासिक रवा उपमा है। फिलहाल यही है देख लो अपना ब्रेकफास्ट, इसको थोड़ी देर बंद रखने के लिए बोला गया है। बाकी अभी बाहर अच्छा खासा टर्बुलेंस हो रहा था बट अभी ठीक है, ऑलमोस्ट 9:45 तक हम लोग लैंड कर जाएंगे। अभी हम लोग वैसे प्रयागराज के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं तो जितने भी लोग प्रयागराज से वीडियो देख रहे हो हाय हेलो। कभी अतिथि
यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे जब तक विमान पूरी तरह रुक न जाए और कुर्सी की पेटी माने का संकेत बंद न किया जाए। चलो जी लखनऊ पहुँच गए हम लोग और जाते वक्त भी हमें एरो ब्रिज नहीं मिला, आते वक्त भी नहीं। तो यही एक पंगा होता है ना, देख लो फ्लाइट आ गया बिफोर टाइम बट अभी तक लगेज नहीं आया अपना। 9:42 का टाइम था, बहुत पहले ही हम लोग आ गए थे। फाइनली अपना ये लगेज मिल गया हमें और ये देख लो कुछ ऐसा एयरपोर्ट है लखनऊ का, बढ़िया एयरपोर्ट है। वैसे इस एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एकदम बढ़िया एकदम। फाइनली अभी लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर तो आ गए हैं, जाते हैं फटाफट उबर पिकअप पॉइंट। मेट्रो से भी आप जा सकते हो, बहुत इजी है, देख लो टुवर्ड्स मेट्रो उबर पिकअप पॉइंट यहाँ पे है, जस्ट बाजू में ही ओला पिकअप पॉइंट भी है। अच्छा सब कुछ काफी सिस्टमेटिक है। मैं एक हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ, एक हाथ से लगेज लिया हूँ, मैडम सारा लगेज संभाल रही है। मोहित नाम से? हाँ मैं मोहित ही हूँ भैया। हम फोन कर रहे थे आपको, हम सोचे आप उधर फोन से साइलेंट होगा, होंगे तो गोल चक्कर से जहाँ से गोल चक्कर से उधर लेफ्ट जाके फिर कानपुर रोड आगे से फिर शहीद। ये नया लग रहा है, ये फरवरी में, हाँ सर ये फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ है और ये दोनों तरफ बेसा गांव था। अच्छा तो इसमें नीचे मकान जिनके गए काफी मतलब लोग पैसा ज्यादा मांग रहे हैं। हाँ बाबा जी ने समझा बुझा के पैसा दिए, पैसा दे के फिर इनको जमीन दी कि अपना जाइए वहाँ मकान बना। तो ये आप आते होंगे तो आधा फ्लाई ओवर बहुत पहले से कोरोना काल के और पहले से था, आप जाके ये बन के तैयार होगा। ये आधा कम से कम 2.5 किलोमीटर बच गया, यही उधर से जाते हैं, अभी ये वही रोड आ गया सही। चलो जी अभी एयरपोर्ट से निकल के जा रहे हैं होटल की तरफ। अभी तक तो रोड एकदम चुम्मा, मजा आ रहा है रोड देखकर। हाँ जी तो अभी अपने होटल रूम तो पहुंच गया हूँ मैं और ये अभी रिसेप्शन में मैं हूँ। ये कोई कंट्री इन होटल है और जस्ट सामने में ही देख लो हयात होटल भी है, बट यहाँ मैं बस आज भर के लिए ही हूँ, कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे जाना है ताज, वहाँ पे स्टे करने वाला हूँ, उसका एक वीडियो भी मिलेगा आपको। फिलहाल ये अच्छा एरिया लग रहा है यार, गोमती नगर मेरे को वाकई में बहुत अच्छा एरिया लगा, पता नहीं एग्जैक्टली इस एरिया का क्या नाम है। और हम लोग रिसेप्शन में बहुत देर से बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं। हाँ जी तो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में, फाइनली चेक इन हो गया हमारा, काफी देर हम लोग इनके रिसेप्शन में बैठे हुए थे और आते ही देख लो चाय ऑर्डर हो गया। फिलहाल हम लखनऊ तो आ गए, सब कुछ हो गया, बट अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि लखनऊ में आया किस लिए हूँ। वैसे टाइटल एंड थंबनेल से तो आपको शायद पता चल गया होगा। हाँ जी तो मैं लखनऊ आया हूँ मैच देखने के लिए, जो कि मैच है कल चेन्नई वर्सेस लखनऊ का, जो मेरा लास्ट आईपीएल ब्लॉग था वो वीडियो था क्लब हाउस का, और सच बताऊ तो स्पेशली धोनी सर को देखने के लिए। तो आज तो मैं कंट्री इन में हूँ, कल मैं चला जाऊंगा ताज होटल में, तो ताज का भी एक ब्लॉग मिल जाएगा आप लोगों को कि लखनऊ का ताजमहल होटल कैसा है। बाकी अभी मैं चाय पीता हूँ, फिर टिकट भी रिसीव करने के लिए जाना है मुझे, टाइम देख लो अभी 12 बजने वाला है। निकलने से पहले आपको एक टूर दे देते हैं रूम का। अब जैसे यहाँ से एंटर करोगे यहाँ तो वॉशरूम मिलता ही है, और सबसे मेन चीज भाई राइट साइड में आपको वाईफाई मिलता है और स्पीड भी भाई बहुत अच्छा है, और पासवर्ड तो इतना अजीबो गरीब है कि पूछो ही मत। और सबसे बेस्ट एरिया मुझे ये लगा, किचन एरिया बोल सकते हो आप, किचन प्रॉपर तो है नहीं, एक ओवन है साथ में वो चाय कॉफी बनाने के लिए है, और यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है। पानी 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 तो नहीं है, पानी वो नहीं दिया कहा, अच्छा हाँ पानी अभी देकर गया, हम लोग नीचे के साइड में रखे हुए, चाय भी हम लोगों ने आते ही ऑर्डर कर लिया था। और ये देख लो कुछ ऐसा सोफा मिलता है, ये सोफा सामने से तो अच्छा लग रहा है लेकिन पीछे से देखो काम तमाम किया हुआ है इसका, और जो बेड है वो तो भाई एकदम मतलब ग्राउंड से भी नीचे फ्लोर में है। बट इस रूम का मुझे सबसे अच्छा बात लगा इस होटल से व्यू, तो देख लो बाहर से कुछ ऐसा नजारा है, सामने में ही हयात होटल है और मुझे वहाँ पे देख लो एक बस दिख रहा है, मेरे को लग रहा है आरसीबी का बस है वो। वैसे भी कल लखनऊ में आरसीबी का मैच था, शायद हो सकता है प्लेयर लोग हों थोड़ी देर बाद निकले एयरपोर्ट के लिए, शायद वो हयात में ही रुके हों। अगर कुछ ऐसा दिखता है तो दिखाता हूँ मैं, अभी देख लो बाहर का कुछ ये नजारा है, और रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया अपना कैसा रूम है अपना। हाँ जी तो देख लो रूम में आते ही अभी वापस से रेडी हो गए हैं, क्योंकि जाना होगा सबसे पहले टिकट रिसीव करने के लिए। एक चीज जो मैं वीडियो में नहीं दिखाता था, एक्चुअली जब भी मैं बाहर कहीं ऐसे निकलता हूँ ना तो ये देख लो सीरम वगैरह यही लगाती है मेरे को, एक्चुअली मैं थोड़ा ध्यान वगैरह नहीं रख पाता हूँ, लेकिन हाँ ये रहती है तो कुछ कुछ लगा देती है, तो बोलती है कैसा ड्राई ड्राई लग रहा है, सीरम लगा लो थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ तो ये है एक्सटेंसो केयर, पता नहीं क्या है, बस बस चलो रेडी हो गए हैं, एक काम करते हैं निकलते हैं कैब बुला लेते हैं, फिर यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा अभी सहारा हॉस्पिटल, वहीं पे ईडन का टिकट वगैरह सब
ईडन बोल रहा हूँ मैं, वहीं पे ये लखनऊ जो इकाना स्टेडियम शायद बोलते हैं, जो आईपीएल मैच वगैरह का टिकट है ना सहारा हॉस्पिटल में मिल रहा है गेट नंबर 3 पे, वही जाके सबसे पहले टिकट रिसीव करते हैं। 9083। तो अभी कुछ ये सीन है ना, ये लेके मैंने लखनऊ में दूसरा कैब बुक किया अपना, सर्विस वगैरह तो काफी अच्छा ही लग रहा है यहाँ का, हो सकता है मैं अभी काफी अच्छे एरिया में हूँ, ये भी एक रीजन है, आगे का जो भी रहेगा वो तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, तो अभी हम लोग सहारा हॉस्पिटल तो पहुंच गए, यहीं पे मिलेगा हमें हमारा टिकट, और टिकट यहाँ मिल भी रहा है क्योंकि देख लो सारे आए आ रहे हैं टिकट, तो यहाँ पे देख लो भाई हर टीम का जर्सी मिल रहा है, सभी टीम का रखे हैं यार जर्सी यहाँ पे, और बिकेगा सबसे ज़्यादा पीला वाला ही MS धोनी के लिए। जाते हैं अंदर, पहले टिकट कलेक्ट करते हैं अपना, देख लो भाई सब मस्त एकदम जर्सी वर्सी मिल रहा है यहाँ पे हर जगह, और सबसे अच्छा क्या लग रहा है देखो, सब वो पेमेंट के लिए वो लेके रखे हैं, मतलब स्कैनर लेके रखे हैं QR कोड, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी गेट नंबर 3 से ही अपना एंट्री था, देखते हैं टिकट कहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे देख लो लिखा भी हुआ बॉक्स ऑफिस, और भाई यहाँ पे जो धूप है ना जल रहा है, लिटरली स्किन जो है ना जल रहा है पूरा। देखो रहते हैं हम लोग कोलकाता में, लखनऊ में मैच देखने आए हैं भाई साहब, ये नवाबी है नवाबी। नहीं बिकॉज ऑफ अपने धोनी भाई, फाइनली हमें हमारा टिकट मिल चुका है देख लो, और ये जो है ना हॉस्पिटैलिटी टिकट है ऐसे भी देख लो। बाकी जाते हैं यहाँ से कुछ खाते पीते, मेरा प्लान हो रहा है यहाँ पे एक दस्तरखान है वहाँ जाने का। अभी हम लोग टिकट लेकर निकल गए हैं लंच करने के लिए, लंच करने के लिए मैं रेस्टोरेंट सब खोज रहा था, मुझे एक दस्तरखान दिखा, काफी अच्छा रेटिंग्स था, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देख लो दस्तरखान, ऐसा सुनने में तो आ रहा है सबसे पुराना वाला दस्तरखान यही है, अब आप लोग करेक्ट कर देना मुझे। तो देख लो जी यहाँ आते ही सबसे पहले हम लोगों ने ये लखनवी बिरयानी ऑर्डर कर लिया है, लखनवी मटन बिरयानी, साथ में रायता भी आया हुआ है, और ये अपना चिकन बर रहा, तो एक काम करते हैं सभी को टेस्ट करते हैं बता देंगे हमें कैसा लगा, बाकी आपको बिरयानी तो दिखाएंगे खोल कर कैसा है। ओ भाई साहब ये तो पूरा भरा हुआ है, हम लोग इसको पैक भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे रूम में ओवन भी है। लगभग 1:30 बजे हो रहा है अपना लंच आज का लखनऊ में, कल हम लोग इस टाइम शूट कर रहे थे घर पे। हमारा प्लेट देखकर आइडिया लगा लो कि हमें चिकन बर्रा कैसा लगा, स्पाइसी था लेकिन मजा आ गया खा के। अभी बिरयानी है, बिरयानी ट्राई करते हैं, ये भी बता देंगे कैसा है, थोड़ा ही थोड़ा दीजिएगा भैया, बस भैया ले लेंगे। तो देख लो जी ये अपना मटन बिरयानी, और ऐसा टोटल 6 पीस मिलेगा आपको, ये हम लोगों ने 1 प्लेट मटन बिरयानी लिया है। बाकी हाँ मुझे लखनऊ का बिरयानी सच बताओ तो अच्छा लगता है, इससे पहले मैंने इदरीस का बिरयानी ट्राई किया है, और टुंडे कबाबी का भी मैंने बिरयानी ट्राई किया है, ये फर्स्ट टाइम मैं दस्तरखान का ट्राई कर रहा हूँ, और देखकर अच्छा लग रहा है, एंजॉय करते हैं। आलू नहीं मिलेगा, आलू बस कोलकाता वाले बिरयानी में ही मिलेगा। हमारे यहाँ पे लंच हो गया है कम्प्लीट, ये आ चुका है अपना बिल देख लो, टोटल 1191 का बिल आया है, और जो हम लोगों ने मटन बिरयानी लिया ना क्वांटिटी बहुत अच्छा खासा था, आराम से उसको 3-4 लोग खा लेते हैं, 3 लोग आराम से खा सकते हैं, जैसे तैसे करके खाया। बाकी हाँ चिकन बर्रा भी बहुत अच्छा था, अब बढ़िया है आ सकते हो आप। बाकी चलो बिल पे करते हैं निकलते हैं, मेरा एडिटिंग अभी तक नहीं हुआ, उसको एडिट करना है वीडियो को। अभी हम लोग अपने होटल रूम तो आ गए हैं, और ये देख लो टिकट भी लेकर आ गया हूँ मैं, अब ये टिकट कौन सा टिकट है कहाँ का टिकट है इतना मैं बता दूँ, ये जो है हॉस्पिटैलिटी टिकट है, यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सीट से मैं आप लोग को मैच दिखाने वाला हूँ, मैच का व्यू तो पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं, लेकिन हाँ इस टिकट में और क्या क्या इंक्लूड रहेगा वो भी मुझे दिखाना है, फिलहाल तो मुझे तो ज्यादा आइडिया है नहीं अभी इसके बारे में, बाकी इसके बारे में कल सारा डिटेल दे दूंगा मैं आपको, कल होटल भी चेंज हो रहा है हमारा, अभी फिलहाल रूम में आके ना थोड़ा देर के लिए सो गए थे क्योंकि सुबह फ्लाइट लेना था, तो नींद तो वैसे ही पूरा नहीं हुआ था, और पेट तो भैया बहुत ज्यादा ही भर गया था वो बिरयानी वगैरह खाने के बाद, अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए जा रहा है पास में ही लुलु मॉल है, स्टेडियम के जस्ट पास में एक लुलु मॉल है और एक और मॉल मैं उसका नाम भूल गया, तो वही जाएंगे आसपास घूमेंगे थोड़ा शाम का माहौल में। ऑलरेडी मैंने अमीनाबाद जाकर जो वहां का टुंडे कबाब है, इदरीस बिरयानी, वो सब पे वीडियो अलग से बनाया हुआ है, मैं स्पेशली यहाँ मैच देखने ही आया हूँ, तो अलग से यहाँ पे कुछ भी अलग से मैं ऐसा व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, एक काम करते हैं थोड़ी देर बाद निकलते हैं मॉल के लिए, तो थोड़ा बहुत बाहर का भी नजारा दिखाएंगे आपको। और अभी तो देख लो जी शाम के समय कुछ ऐसा नजारा है बाहर का, ये इकाना स्टेडियम है देख लो, ये भी शायद 3-4 साल पुराना स्टेडियम है, 3 साल पुराना ये भी स्टेडियम है देख लो, यही आना है हमें, गेट नंबर 1 से हमारा एंट्री होगा, ये तो गेट नंबर 2 है। ये प्लाजियो मॉल है, ये भी बोल सकते हो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है, अभी 2 यहाँ पे बेस्ट मॉल है, ये हो गया और एक हो गया लुलु मॉल। भाई क्या मस्त लग रहा है, मतलब अभी इतना बढ़िया लग रहा है ना, लखनऊ के इस वाले पार्ट में गोमती नगर वाले साइड में मैं फर्स्ट टाइम आया इस बार। बहुत बढ़िया लग रहा है देख कर लुलु लखनऊ। तो अभी देख लो मॉल के अंदर एंटर तो कर गए हैं, अभी देखना पड़ेगा मॉल के अंदर एंट्रेंस कहाँ से है। ओ भाई क्या है ये, अंदर एंटर करते ही अगर मैं फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ ना, वो जब मैं दुबई मॉल गया था ना फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसे ही कुछ तक, ये भी काफी बड़ा है यार,
और एंटर करते ही देख लो वो पूरा मेरा फेवरेट जोन है वो फन टूरा जो है ना, इसमें तो लग रहा है बहुत सारा होगा। गेम खेलने में बहुत मजा आता है लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिवेंड्रम वाला भी लुलू मॉल गया था भाई, उससे भी पता नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये काफी अच्छे तरीके से इसको डेकोर किया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। काम करते हैं, अभी कैमरा बंद करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। बहुत बढ़िया मॉल है ये, बहुत बढ़िया, और ब्रांड भी मुझे काफी कुछ दिख रहा है। ये क्या है अंदर, ये तो लग रहा है अंदर में इन्होंने पूरा अम्यूजमेंट पार्क बना रखा है। देखो अभी पता नहीं क्या हम लोगों में क्या एक बचपना आ गया है, जब भी हम लोग कोई मॉल में जाते हैं ना ये कार्ड बनवा लेते हैं। भाई जितना हम लोग का होटल में खर्च नहीं होता उतना एक कार्ड में खर्च हो जाता है, मजा आता है जो भी बोला, अच्छा टाइम पास हो जाता है। अभी लगभग 8 बजने वाला है, देखते हैं हमारा ये सब चीज कब तक कंप्लीट होता है। लगभग हमारे पास 5000 पॉइंट है, 3500 में मैंने लिया है। तो टाइट कर दो भैया, हाँ थोड़ा सा परफेक्ट। वहाँ पे बाकी सारे गेम में बुरे तरीके से हारने के बाद हम लोग बस ये जीत पाए। ये बुग्गी के लिए हम लोगों ने ले लिया है, जब जाएंगे कोलकाता तब दे देंगे उसको। अभी हम लोग आ गए हैं सबवे में। अभी हम लोग को ना एक चीज बहुत पसंद आता है सबवे का, एक चिकन चीज स्लाइस सबवे, ये बहुत बढ़िया होता है। एक बार हम लोग खाए थे एयरपोर्ट में, उसके बाद से अच्छा लगा, यही ऑर्डर करते हैं जब भी आते हैं। तो अभी बहुत रात हो गया, देख लो 10 बज रहा है रात का, फटाफट खा के भागना भी है। बाकी मस्त मॉल है, मजा आ गया, यहाँ पे टाइम पास अच्छा खासा हो गया। वैसे कल रात में आते थे काफी लेट हो गया। हाँ कैब तो देखो यहाँ पे लखनऊ में एक चीज मैंने देखा है ना, उबर का स्पेशली सर्विस मेरे को बहुत अच्छा लगा है। लेकिन रात में क्या हो गया, एक ऐसा ड्राइवर हमें मिला ना, मतलब वो एक जगह खड़ा ही है, फोन कर रहा हूँ 2-3 बार तो फोन ही नहीं भाई ने उठाया। फिर लास्ट में भाई ने उठाया, बोला कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर वो किसी पैसेंजर को ड्रॉप करता है ना तब आपके उबर ऐप में सब दिखता है, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी भाई मतलब अच्छा खासा वेट करवाया। फिर भाई आया, मैं उनको बोला भैया इतना टाइम लग गया, वो बोले मैं किसी को ड्रॉप कर रहा था। मैं बोला वो तो ऐप में दिखाता है ना, बोला नहीं मैं ऑफलाइन किसी को ड्रॉप कर रहा था, मतलब नॉर्मल बुकिंग मैंने लिया था। बोला पता नहीं क्या सीन है। फिर भी आ गए थे हम लोग टाइम से होटल। कल वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अभी मैं यहां से निकल रहा हूं ताज होटल के लिए, तो आगे का क्या रहता क्या नहीं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग देखना। फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।